हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज ऑफ सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस, दैट इज़ कन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीएनए एंड आरएनए की बात की, न्यूक्लिक एसिड की बात की और डीएनए का डिटेल्ड स्टडी किया हमने। डिफरेंसेस क्या होते हैं डीएनए एंड आरएनए में, हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हमारा डीएनए है वो वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ए बी एंड जेड फॉर्म्स में। ये जो फॉर्म्स होती हैं डीएनए की, इनको हम डीएनए का कन्फर्मेशन बोलते हैं कि किस कन्फर्मेशन में डीएनए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा डीएनए का कन्फर्मेशन होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं कन्फर्मेशंस के बारे में कि कौन कौन से कन्फर्मेशंस में हमारा डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना भी कंटेंट है हमारा वो सारा स्टैंडर्ड बुक्स से प्रिपेयर्ड है। इस जो पर्टिकुलर स्लाइड मैंने लिया है इसका मैं आपको सोर्स भी बता देती हूँ। जो बुक है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जेम्स डी ब्राउन की, इसका कंटेंट उससे लिया गया है और कुछ कंटेंट रिसर्च पेपर्स के थ्रू इसमें डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए को। कन्फर्मेशंस, सबसे पहले देखेंगे हम कि कन्फर्मेशंस होते क्या हैं। अर्ली एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए विच वर परफॉर्म्ड यूजिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डीएनए दैट हैड बीन ड्रॉन आउट इनटू थिन फाइबर्स रिवील्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, द बी एंड ए फॉर्म्स ऑफ डीएनए। जो स्टार्टिंग में एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी हुई डीएनए की, उसमें यूज़ किया गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डीएनए का, और उस स्टडी से ये पता चला कि जो हमारा डीएनए है वो बी एंड ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमारी अर्ली स्टडी थी डीएनए के बारे में। The structural alphabet of the DNA double helical A, B and Z forms, जो बाद में हमारी स्टडी हुई जब मॉडर्न चीज़ें आई, थिंग्स आई, टेक्निक्स बहुत सारी, तो उन टेक्निक्स के थ्रू ये पता चला कि DNA सिर्फ A एंड B फॉर्म में ही नहीं, Z फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको कभी कभी हम C फॉर्म भी बोलते हैं। Has been described in detail earlier. Nevertheless, DNA is known to adopt also other forms such as triple and quadruple helices, junctions or cruciform structures and parallel helixes. जो हमारे बेसिक फॉर्म्स हैं, जो कि हमारे CSIR NET JRF की कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट हैं, वो ए बी एंड जेड फॉर्म्स हैं। जबकि इनके अलावा भी डीएनए बहुत सारे फॉर्म्स को अडॉप्ट करता है। इनमें ट्रिपल हेलिक्स हो सकता है, क्वाड्रपल हेलिक्स हो सकता है, जैसे कि जो हमारा नॉर्मल डीएनए है वो डबल हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अलावा भी ये कन्फर्मेशंस को अडॉप्ट कर सकता है। ट्रिपल एंड क्वाड्रपल हेलिक्सेस हो सकते हैं, जंक्शंस के फॉर्म में भी हो सकता है और पैरेलल हेलिक्सेस भी बना सकता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बी फॉर्म ऑफ डीएनए को, क्योंकि जो हमारा बेसिक, जो वॉटसन क्रिक के मॉडल के बेस पे जो हमारा डीएनए डिसाइड हुआ था वो था बी फॉर्म। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है डीएनए का और सबसे पहले हम इसी को स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। जो नॉर्मल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वो स्टैंडर्ड जो कन्फर्मेशन है इसी को हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए बोलते हैं। बी डीएनए इज़ द वॉटसन क्रिक फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स दैट
मोस्ट पीपल आर फैमिलियर विद। जो वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स है जिसे कि हम सब फैमिलियर हैं, वही जो फॉर्म है उसी को हम बी डी एन ए बोलते हैं। दे प्रपोज्ड टू स्टैंड्स ऑफ डी एन ए ईच इन दी राइट हैंडेड हेलिक्स। जो हमारा डी एन ए है वो राइट हैंडेड हेलिक्स में है, मतलब कि जो राइट साइड से चलता है। इस तरीके से राइट हैंडेड का हेलिक्स होता है ये, जब हम यहाँ से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें क्लॉक वाइज में दिखेगा। तो जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है उसको हम राइट हैंडेड डायरेक्शन बोलते हैं। जो एंटी क्लॉक वाइज होगा उसको हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी बोल सकते हैं। सो द राइट हैंड हेलिक्स वाउंड अराउंड द सेम एक्सिस। जो एक्सिस है डी एन ए का वो चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा कि ये यहाँ से आके ऐसे ऐसे कहीं से भी नहीं जा सकता। इसका एक प्रॉपर एक्सिस होगा और इसी एक्सिस के अलोंग डी एन ए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा। जो हर जो जो प्रॉपर एक जो है राइज, ये सारे अलग अलग होंगे लेकिन इनका जो एक्सिस होगा वो कॉमन एक्सिस रहेगा। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस इन एंटी कन्फर्मेशंस। जो कन्फर्मेशन होता है बी डी एन ए का वो एंटी कन्फर्मेशन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एंटी और सिन कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इनके लिए मैंने अलग से स्लाइड्स रखी हुई हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है एंटी और सिन कन्फर्मेशन, उनकी डिटेल स्टडी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जो एंटी फॉर्म होता है, एंटी का मतलब कि अगर कोई भी ये है एक ग्रुप है तो अगर इसका जो दूसरा ग्रुप है अगर वो सेम साइड में आके जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सिन फॉर्म। ये जो फॉर्म होगा ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। वाइल इन द केस ऑफ एंटी, जो ग्रुप है वो अदर साइड में जाके ज्वाइन करेगा। अभी ये जो कन्फर्मेशन हमारा बना है इसको हम बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन, और ये कन्फर्मेशन स्टेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है, इसीलिए एंटी कन्फर्मेशन को स्टेबिलिटी के लिए प्रेफर किया जाता है। The two strands of the duplex are anti-parallel and planktonemically coiled। जो strands होते हैं DNA के वो anti-parallel होते हैं। The nucleotides arrayed in 5' to 3' orientation on one strand align with complementary nucleotides in the 3' to 5' orientation of the opposite strand। किसी भी चीज़ का पैरेलल और एंटी पैरेलल हम कैसे डिसाइड करते हैं, कि अगर कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी चीज़ भी इसी डायरेक्शन में अगर जाने लगती है तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। जबकि अगर एक कोई अगर इस डायरेक्शन में जा रही है चीज़ और दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। हमारे डीएनए के केस में भी यही होता है। जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो 5' to 3' डायरेक्शन में जाता है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो 3' to 5' डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है डीएनए का 5' to 3' एंड 3' to 5', यही अरेंजमेंट एंटी पैरेलल जो डायरेक्शन होता है, जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उनको जेनरेट करता है, उनकी ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। बेसिस फिट इन द डबल हेलिकल मॉडल इफ पिरिमिडीन ऑन वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड विद प्यूरीन ऑन द अदर। जैसा कि हमने स्टडी कर रखा है कि जो पिरिमिडीन है वो प्यूरीन से एंड प्यूरीन पिरिमिडीन से ही ज्वाइन होता है। प्यूरीन में आते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन में आते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन जब पेयरिंग होती है
तो प्यूरिन की पिरिमिडीन से, दैट इज़ एडिनिन के थायमिन से, एंड अगेन प्यूरिन की पिरिमिडीन से, दैट इज़ गुआनिन की साइटोसिन से पेयरिंग होती है. फ्रॉम चारगॉफ्स रूल द टू स्टैंड्स विल पेयर ए विद टी एंड जी विद सी. जैसा कि अभी हमने देखा कि एडिनिन थायमिन से एंड थायमिन गुआनिन साइटोसिन से ज्वाइन होता है. जो बॉन्डिंग होती है एडिनिन एंड थायमिन की वो डबल बॉन्डेड होगा और जो गुआनिन एंड साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं. दिस पेयर्स आर कीटो बेस विद एन एमिनो बेस आर प्यूरिन विद अ पिरिमिडीन. टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन एंड थ्री कैन फॉर्म बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन. दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं. दी बेस पेयरिंग स्कीम इमीडिएटली सजेस्ट अ वे टू रेप्लीकेट एंड कॉपी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. एक स्टैंड 5' डायरेक्शन में होगा और एक 3'-5' में होगा, और यही जो है इनसे जब ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो अगर ये 5'-3' है तो जो अगला स्टैंड इससे फॉर्म होगा वो 5'-3' डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और यही इनके रेप्लिकेशन का प्रोसेस है. एंड दिस सजेस्ट अ वे टू रेप्लिकेट एंड कॉपी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से और जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे. थर्टी फोर नैनोमीटर बिटवीन बेस पेयर्स जो डिस्टेंस होती है एक जो एक हेलिक्स होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 34 नैनोमीटर होती है. 3.4 नैनोमीटर पर टर्न. अगर हमारा ये डीएनए है तो ये अगर दो बेस हैं तो इन दो बेस के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी 3.4 नैनोमीटर. अबाउट 10 बेस पेयर पर टर्न. जो हेलिक्स है हेलिक्स के बीच में एक टर्न में जितने भी बेस होंगे उनका नंबर होगा 10. 10 बेस पेयर एक टर्न में प्रेजेंट होंगे. ये हम बात कर रहे हैं बी डीएनए की जो कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल डीएनए का है. 9 नैनोमीटर और अबाउट 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर. जो डीएनए का डायमीटर होता है जो ये डिस्टेंस है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम. 34 डिग्री हेलिक्स पिच. हेलिक्स पिच 34 डिग्री होगी एंड -6 बेस पेयर टिल्ट एंड 36 डिग्री ट्विस्ट एंगल. जो ट्विस्ट एंगल होगा वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि जब हेलिक्स टर्न होता है तो एक टर्न लेने वो में वो कितना ट्विस्ट हो जाता है कितना टर्न हो जाता है वो जो एंगल है उसी को ट्विस्ट एंगल बोलते हैं, और वो एंगल होता है हमारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड. -6 डिग्री बेस पेयर टिल्ट होगा, मतलब कि एक बेस पेयर से जब दूसरा बेस पेयर ज्वाइन करेगा तो उतनी ही एक बेस पेयर की ज्वाइनिंग में कितना टिल्ट होगा हमारा हेलिक्स उसको हम बोलते हैं बेस पेयर टिल्ट, और ये होता है 6 डिग्री. ओके, अभी हमारा जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो कंप्लीट हो गया. उसकी जो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली. अब हम डिस्कस करेंगे ए फॉर्म ऑफ डीएनए की या ए डीएनए की. द मेजर डिफरेंस बिटवीन A and B form nucleic acid is in the conformation of the deoxyribose sugar ring. जो sugar का conformation होगा वो major difference होता है A and B form में.
It is in the C2 indo conformation of B form, whereas it is in the C3 indo conformation in A form. डिस्कस करते हैं इस लाइन को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है C2 इंडो और क्या है C3 इंडो. ये जो कन्फर्मेशन होता है सुगर का, इसको हम सुगर पकरिंग बोलते हैं. इसका भी हमने एक स्पेशल स्लाइड रखा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुगर पकरिंग का. लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो शुगर है इसमें जो 2' पे कार्बन है, जो फर्स्ट पोजीशन और ये सेकेंड, इस पोजीशन पे वो कार्बन, जो कार्बन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अगर अंदर की साइड में प्रेजेंट है तो हम उसको इंडो बोलेंगे. और अगर कोई भी, अगर जैसे C3 इंडो मतलब थर्ड कार्बन जो है वो अगर बाहर की तरफ में प्रेजेंट है तो हम इसको एक्सो बोलेंगे. तो ये जो सुगर पकरिंग है, जो C2 इंडो और C3 इंडो है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर का जो ओरिएंटेशन है, कहाँ पे शुगर का प्रेजेंस है, ये उसको इंडिकेट करता है. तो जो बी फॉर्म है, बी में C2, जबकि जो ए फॉर्म में है उसमें C3 इंडो कन्फर्मेशन होता है. ये जो हाइलाइटेड पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है CSIR नेट की कैटेगरी में, तो इनको मैंने हाइलाइटेड कर रखा है. इन द केस ऑफ ADNA 11 बेस पेयर पर टर्न. जो हमारा BDNA था उसमें 10 बेस प्रेजेंट थे पर टर्न में, 10 बेस पेयर्स, लेकिन इसमें 11 होते हैं. 0.26 नैनोमीटर एक्सियल राइज, जबकि हमने देखा था 0.34 नैनोमीटर का एक्सियल राइज था वहाँ पे. इसका हेलिक्स पिस 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता, डिग्री होता है, जबकि हमारा जो BDNA था उसमें 34 डिग्री था, वाइल 20 डिग्री बेस पेयर टिल्ट. जो बेस पेयर टिल्ट हमारा BDNA में था वो बहुत कम था और शायद वो -6 डिग्री था. 33 डिग्री ट्विस्ट एंगल एंड 2.3 नैनोमीटर हेलिक्स डायमीटर. अ सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्म एंड बी फॉर्म न्यूक्लिक एसिड इज द प्लेसमेंट ऑफ बेस पेयर्स विद इन द डुप्लेक्स. जो बेस पेयर्स का प्लेसमेंट होता है वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ए एंड बी फॉर्म में. इन बी फॉर्म द बेस पेयर्स आर ऑलमोस्ट सेंटर्ड ओवर द हेलिक्स एक्सिस, बट इन ए फॉर्म दे आर डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एंड क्लोजर टू द मेजर ग्रूव. जो बेस पेयर्स होते हैं BDNA में एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड प्लेस्ड होते हैं और सेंटर्ड होते हैं, जबकि इन द केस ऑफ ADNA दे आर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एंड क्लोजर टू द मेजर ग्रूव. द रिजल्ट इज अ रिबन लाइक हेलिक्स विद अ मोर ओपन सिलेंड्रिकल कोर इन ए फॉर्म. जो ए फॉर्म का हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड ही होता है इन द केस ऑफ ADNA भी. ओके, लेट्स कम टू द जेड फॉर्म ऑफ DNA. जेड DNA की बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो ए एंड बी DNA से बहुत ही डिफर करती हैं. हालांकि ए एंड बी DNA में भी डिफरेंसेस थे, लेकिन एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कोई भी डिफरेंस नहीं था ए एंड बी DNA में. और जो जेड फॉर्म ऑफ DNA है इसकी वैरायटीज़, इसकी जो डिफरेंसेस हैं ये कई मेजर तरीके से ये डिफ़र करता है. चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जेड फॉर्म ऑफ DNA में. जेड DNA इज अ रेडिकली डिफरेंट डुप्लेक्स स्ट्रक्चर विद द टू स्ट्रैंड्स क्वाइलिंग इन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स. जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जो हमारा ए एंड बी DNA था वो राइट हैंडेड हेलिक्स थे, लेकिन जो जेड DNA है ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है. मतलब कि अगर हमारे ए और बी DNA का कन्फर्मेशन ये था, ये राइट हैंडेड थे, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा.
ये ए एंड बी डीएनए होगा, लेकिन जो हमारा जेड डीएनए है ये लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड आ प्रोनाउंस्ड जिग जैग पैटर्न इन दी फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। जो ए एंड बी डीएनए की बैकबोन्स थी वो प्रॉपर अरेंज थी, एक मैनर्ड वे में चल रही थी, लेकिन इसमें जो बैकबोन होगी इसके शुगर एंड फॉस्फेट की वो जिग जैग मैनर में होगी, कोई भी प्रॉपर लीनियरली अरेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको जिग जैग कन्फर्मेशन बोला जाता है। और जेड डीएनए का जो नाम है जेड, वो इसी जिग जैग से लिया गया है, इसके फर्स्ट लेटर को ही जेड फॉर्म में इसका नाम दे दिया गया है। जेड डीएनए कैन फॉर्म व्हेन द डीएनए इज एन अल्टरनेटिंग प्योरीन पिरिमिडिन सीक्वेंस सच एज जी सी एंड जी सी। जो जेड डीएनए हमारा होगा, जैसे हमने बेस पेयर्स हमारे देखे प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, उनमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं देख रखा था कि हाँ ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ही रिपीटिंग बेस पे प्रेजेंट होगा, लेकिन इन द केस ऑफ जेड डीएनए ये जो सीक्वेंस दे के रखा है इन्होंने जी सी का, ये सीक्वेंस एक प्रॉपर इंटरवल पे रिपीट होता रहेगा। तो जो जेड डीएनए का मेजर डिफरेंस ये भी है कि ये जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का सीक्वेंस होगा ये रिपीट होगा, एंड इंडीड द जी एंड सी न्यूक्लियोटाइड्स आर इन डिफरेंट कन्फर्मेशंस लीडिंग टू अ जिग जैग पैटर्न। जो कन्फर्मेशन होगा गुआनिन एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स का वो जिग जैग कन्फर्मेशन होगा, प्रॉपरली अरेंज्ड वे में नहीं होगा और एक जिग जैग पैटर्न बनाएगा, जेड डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। द बिग डिफरेंस इज एट द जी न्यूक्लियोटाइड। गुआनिन पे जो मेजर डिफरेंस होता है वो गुआनिन पे आएगा, 12 बेस पेयर पर टर्न। हम देख रहे हैं कि जेड डीएनए की जो भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो एकदम से अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि देखा हमने कि इसमें एक सीक्वेंस है जो अल्टरनेट बेस पे रिपीट हो रहा है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी है, एक यहाँ पे और आया कि इसमें 12 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होंगे। जो हमारा ए एंड बी डीएनए था उसमें ए में 11 और बी में 10 बेस पेयर्स पर टर्न प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें 12 बेस पेयर एक टर्न में होंगे। 0.45 नैनोमीटर एक्सियल राइज, 45 डिग्री हेलिक्स पिच एंड 7 डिग्री बेस पेयर टिल्ट होगा। एक्सियल राइज, हेलिक्स पिच, बेस पेयर टिल्ट हम सारा डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होता है, तो अभी इनका डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जान सकते हैं कि क्या क्या होता है, कितना कितना डिफर करता है ए एंड बी फॉर्म से। इट हैज़ दी शुगर इन दी सी थ्री इंडो कन्फर्मेशन। शुगर का जो कन्फर्मेशन होगा वो सी थ्री इंडो होगा, मतलब कि जो थर्ड कार्बन होगा वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। एंड इन कंट्रास्ट टू बी फॉर्म डीएनए एंड दी गुआनिन बेस इज़ दी सिन कन्फर्मेशन। एंटी और सिन की हमने बात की थी कि अगर एक ही साइड में दोनों प्रेजेंट हैं तो वो सिन कन्फर्मेशन होगा, जबकि अगर अलग अलग प्रेजेंट हैं तो वो एंटी कन्फर्मेशन होगा। तो इन दी केस ऑफ जेड डी एन ए ये सिन कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारा बी डी एन ए था वो एंटी कन्फर्मेशन में प्रेजेंट था। दिस प्लेसेस द गुआनिन बैक ओवर द शुगर रिंग। इन कंट्रास्ट द यूजुअल एंटी कन्फर्मेशन सीन इन ए एंड बी फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, नोट दैट हैविंग द बेस इन द एंटी कन्फर्मेशन प्लेसेस इट इन द पोजिशन वेयर इट कैन रेडली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। एंटी कन्फर्मेशन में इस तरीके से प्रेजेंट होगा कि ये जो दूसरा है उससे बहुत इजीली फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
The duplex in ZDNA has to accommodate the distortion of the guanine nucleotide in the syn conformation. हमने डिस्कस कर लिया कि syn conformation में प्रेजेंट होता है. The cytosine in the adjacent nucleotide is of ZDNA is the normal C2 into NT conformation. हमने देखा कि जो ZDNA है इसमें C2 indo एंड C3 indo दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, जबकि बाकी सब में था कि C3 indo या C2 indo प्रेजेंट था, लेकिन इसमें C2 indo एंड C3 indo दोनों ही कन्फर्मेशंस ऑफ शुगर प्रेजेंट होंगे. -30° ट्विस्ट एंगल एंड 1.8 नैनोमीटर हेलिक्स डायमीटर. यहाँ पे स्लाइड दी गई है ए बी एंड जेड डीएनए का कैसा कन्फर्मेशन होता है, आप देख सकते हैं. ये दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स में अरेंज्ड हैं, ए एंड बी डीएनए, वाइल जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन में है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, जिग जैग टाइप का स्ट्रक्चर है. एक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन जैसा कि ए एंड बी डीएनए में है, इसमें कोई भी प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं समराइज करके दी गई हैं. ट्विस्ट 30° राइज, 2.56 एंगस्ट्रॉम, रोल 6°, इंक्लाइन 21°, डिस्टेंस 4.5 एंगस्ट्रॉम एंड 7.5° हेलिक्स राइज. सबकी कंपेरेटिव स्टडी दी गई है, आप इसको खुद से स्टडी कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर को, इसका ट्विस्ट, राइज, रोल, इंक्लाइन, एक्स डिस्टेंस एंड ट्विस्ट राइज, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी कर सकते हैं. डिफरेंसेस को शो करता हुआ एक और चार्ट आपके लिए है. इसमें प्रॉपर्टी है ए बी एंड जेड डीएनए, तीनों की प्रॉपर्टीज़ को समराइज किया गया है. हेलिक्स हैंडनेस देख सकते हैं, राइट राइट एंड ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा. बेस पेयर पर टर्न 11, 10.4 एंड 12. राइज पर बेस पेयर अलॉन्ग एक्सिस इज 0.23 नैनोमीटर, 0.34 एंड 0.38 नैनोमीटर्स. जो पिच है ए डी एन ए में 2.46, 3.40 इन बी डी एन ए एंड इन द केस ऑफ जेड डी एन ए इट इज 4.56 नैनोमीटर्स. डायमीटर 2.55 नैनोमीटर इन ए डी एन ए, 2.37 नैनोमीटर इन बी डी एन ए एंड 1.84 नैनोमीटर इन द केस ऑफ जेड डी एन ए. कन्फर्मेशंस दिए गए हैं एंटी एंटी एंड एंटी एंड सिन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जेड डी एन ए में. मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं कि अगर ये डी एन ए का कन्फर्मेशन है तो जो ये वाला ग्रुप बन रहा है इसके हेलिक्स के राइज में, ये होगा मेजर ग्रुप. और जो ये है इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस मिलता है, ये होगा आपका माइनर ग्रुप. तो यहाँ पे ए बी एंड जेड डीएनए के मेजर एंड माइनर ग्रुप को भी डिस्कस किया गया है. इन द केस ऑफ ए एंड बी डीएनए मेजर ग्रुप प्रेजेंट होगा, जबकि जेड डीएनए में मेजर ग्रूव एब्सेंट होता है या कह सकते हैं कि फ्लैट होगा. एंड माइनर ग्रूव ए बी एंड जेड डीएनए में होगा प्रेजेंट, जबकि जेड डीएनए में ये डीप क्लेफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. हियर इज द एंटी एंड सिन कन्फर्मेशंस इन डिटेल. अभी तक हम देखते आ रहे हैं एंटी एंड सिन कन्फर्मेशंस जो प्रेजेंट होते हैं, अब हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं. The bond joining the 1' carbon of the deoxyribose sugar to the heterocyclic base, the N-glycosidic bond. Rotation about this bond gives syn and NT conformation. जो ये हमारा sugar है और sugar से जो nitrogenous base bind है, ये bind है N-glycosidic bond के through. जो रोटेशन होता है इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अलोंग, वो वही जो रोटेशन है वो हमको सिन
या एंटी कन्फर्मेशन देता है. रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस सिन एंड द एंटी कन्फर्मेशन इज जनरली फेवर्ड. अगर रोटेशन कम है या रेस्ट्रिक्टेड है तो एंटी कन्फर्मेशन होगा पार्शली ऑन स्टेरिक ग्राउंड. आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी कन्फर्मेशन में जो ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मतलब अगर ये इधर है तो ये इधर प्रेजेंट है. लेकिन जो सिन कन्फर्मेशन है दोनों एक ही साइड में, जो हैवी ग्रुप्स हैं एक ही साइड में प्रेजेंट हैं. वैसा ही यहाँ पर भी दिखाया गया है, एंटी कन्फर्मेशन में दोनों अपोजिट साइड में हैं जबकि सिन में दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट हैं. दिस वॉज योर सिन एंड एंटी कन्फर्मेशन, जो कि हम अभी तक स्टडी करते हुए आ रहे थे ए एंड बी एंड जेड डीएनए में कि क्या है एंटी एंड सिन कन्फर्मेशन. यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं. सुगर पकड़ी जो हम C3 indo, C4 indo, C2 indo, ये जो हम देख रहे हैं अब हम देख लेंगे कि क्या है. इसको हम बोलते हैं शुगर पकड़ी. अब शुगर पकड़ी क्या है, क्या है इंडो, क्या है एक्जो, ये चीज़ देख सकते हैं आप. C3 indo कन्फर्मेशन, जैसे अगर हमने एक शुगर हमारा मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया पेंटो शुगर, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन होगा. अगर C3 indo है मतलब कि जो थर्ड कार्बन पे, जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन है हम इसकी बात कर रहे हैं C3. अब C3 तो हमें समझ में आ गया कि क्या है C3. अब ये इंडो क्या है, इंडो मतलब कि अगर हमारा ये शुगर मॉलिक्यूल है तो ये कार्बन जो तीसरा है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा. तो ये जो थर्ड कार्बन है ये अंदर की साइड में शुगर के प्रेजेंट है, इसीलिए इसको C3 indo बोलते हैं. C2 indo मतलब कि C2 मतलब कि सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं. ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हम ये जो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर ये जो सेकंड कार्बन है ये इस तरीके से प्रेजेंट है, पहला कार्बन, दोबारा से ड्रॉ करती हूँ मैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा. तो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन हमारा प्रेजेंट है ये शुगर मॉलिक्यूल में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं C2 indo. जो C3 indo है वो हमारा ए फॉर्म ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होता है, वाइल जो C2 indo है वो बी कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन. इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे डीएनए की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ में, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में जो कन्फर्मेशन कैसे फॉर्मेशन होता है, और हम आरएनए के बारे में अब डिस्कस करेंगे, उस पर भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आरएनए और आरएनए के जो टाइप्स हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.